हेलो गाइस, वेलकम टू टेक बस। आज मैं कंपेयर कर रहा हूँ वीवो V25 प्रो और आईकू 9 SE का। दोनों फोन्स 35-38,000 में अवेलेबल है। वीवो में दिया है मीडियाटेक डायमेंसिटी 1300 और आईकू में दिया है स्नैपड्रैगन 888। तो आज मैं दोनों का एक इनडेप्थ कंपैरिजन करूँगा, बात करूँगा दोनों के डिज़ाइन, कैमरा फीचर्स और गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, और आपको बताऊँगा कि दोनों में से कौन सा फ़ोन लेना बेटर होगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस के लिए फीचर्स आ सके, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिजाइन की बात करेंगे तो V25 Pro के बैक में फ्लोराइट AG मैट फिनिश ग्लास बैक दिया है विद कलर चेंजिंग इफेक्ट जो UV रेज में कलर चेंज करता है। कैमरा मॉड्यूल काफी अच्छा दिखता है विद नीचे ब्रश्ड मेटालिक और ऊपर डार्क ग्रे क्रोम फिनिश। कैमरा लेंस पर ब्लू रिंग्स है। ओवरऑल ये काफी अच्छा और प्रीमियम दिखता है। आईकू में बैक में स्पार्की रेनबो इफेक्ट मैट फिनिश ग्लास बैक दिया गया है। कैमरा मॉड्यूल का डिजाइन इसमें सिंपल है जिसके नीचे थोड़ा शाइनी फिनिश दिया गया है और ओवरऑल लुक्स में ये भी अच्छा दिखता है। दोनों फोन्स में ट्रिपल कैमरा सेटअप और LED फ्लैश है और दोनों में बैक पैनल पर फिंगरप्रिंट मार्क नहीं आते। दोनों में कर्व्ड शाइनी फिनिश प्लास्टिक फ्रेम दिया गया है। बाकी दोनों में ड्यूल 5G सिम का सपोर्ट है। वीवो में सिंगल स्पीकर है और आईकू में स्टीरियो स्पीकर्स। इन हैंड फील की बात करेंगे तो कर्व फ्रेम की वजह से दोनों ही फोन्स पकड़ने में काफ़ी कंफर्टेबल है, ग्रिप भी काफ़ी अच्छा मिलता है, बट वीवो कर्व डिस्प्ले होने की वजह से पकड़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। बेजल देखेंगे तो वीवो में कर्व डिस्प्ले की वजह से साइड के बेजल्स ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है और ऊपर और नीचे के बेजल भी काफ़ी कम है। आईकू में ऊपर और साइड के बेजल्स यूनिफॉर्म है बट नीचे चेन का थोड़ा ज़्यादा मोटा है। बाकी दोनों में टॉप सेंटर में पंचोल सेल्फी कैमरा दिया गया है और दोनों में स्कॉट सेंसेशन अप ग्लास की प्रोटेक्शन है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो दोनों फोन्स एंड्रॉइड 12 पर है विद FantaChoice 12। आईकू ने 2 मेजर अपडेट्स और 3 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स कन्फर्म किया है बट वीवो ने अपडेट के लिए कोई कन्फर्मेशन नहीं दिया है, बट मोस्टली इसमें भी 2 मेजर अपडेट्स ही मिलेंगे। UI दोनों का सेम और स्मूथ है। डेली यूजेज में आपको कोई लैग या जिटरीनेस नहीं मिलेगा। दोनों फोन्स इनके चिपसेट के हिसाब से काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है। दोनों में कस्टमाइजेशन के लिए सिमिलर ऑप्शन है जैसे कलर पैलेट फॉर UI वाला ऑप्शन, मल्टीपल विजेट्स और डेडिकेटेड थीम स्टोर। दोनों में काफ़ी बेकार ऐप्स पहले से प्रीलोडेड आते हैं जैसे कि मौज, जोश, लिंक्डइन, हॉट ऐप्स, हॉट गेम्स, डेली हंट और शेयर चैट, जो काफ़ी सारे बेकार सी ऐड डिस्प्ले करते रहते हैं, बट थैंकफुली इनमें से कुछ ऐप्स को आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अब स्पीड टेस्ट करते हैं इनका। दोनों में से बैकग्राउंड ऐप को क्लियर कर देते हैं। वीवो में दिया है मीडियाटेक डायमेंसिटी 1300 चिप जो मिड रेंज प्रोसेसर है और आईकू में दिया है स्नैपड्रैगन 888 जो फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर है। दोनों के डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो AnTuTu रन हो रहा है और हमने वीडियो का स्पीड इंक्रीज कर दिया है, और क्योंकि वीवो डेमो यूनिट है जो बार बार रीसेट होता है इसीलिए कंटिन्यूसली हम दोनों को टच कर रहे हैं। तो AnTuTu टेस्ट हो चुका है और आईकू ने टेस्ट जीता है ऑलमोस्ट 2 लाख ज़्यादा स्कोर करके। अब इसे परफॉर्मेंस में कितना फर्क पड़ता है वो तो आगे पता चल जाएगा। तो दोनों फोन्स सेम वाईफाई पर कनेक्टेड है और सभी बैकग्राउंड ऐप को क्लियर कर दिया गया है। सबसे पहले चालू करते हैं पबजी न्यू स्टेट। दोनों ने इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड किया है। दोनों फोन्स पबजी न्यू स्टेट में लाइट ग्राफिक्स पर 90 FPS और HDR से अल्ट्रा ग्राफिक्स तक मैक्स FPS तक सपोर्ट करते हैं। तो पबजी पहले आईकू में ओपन हुआ है। नेक्स्ट चालू करेंगे एसफॉल्ट 9। दोनों 8GB वेरियंट है और दोनों में 12GB का भी ऑप्शन अवेलेबल है। दोनों में UFS 3.1 की स्टोरेज है बट वीवो में LPDDR4X रैम और आईकू में LPDDR5 रैम है। वीवो में 8GB और आईकू में 4GB का वर्चुअल रैम है, तो वीवो में आपको टोटल 16GB या 20GB कंबाइंड रैम और आईकू में 12GB या 16GB कंबाइंड रैम मिल सकता है जरूरत पड़ने पर। एसफॉल्ट 9 जस्ट पहले ओपन हुआ है वीवो में, तो आप स्कोर है 1-1। नेक्स्ट चालू करेंगे बीच बगी रेसिंग 2। थर्मल्स की बात करेंगे तो वीवो कम हीट होता है आईकू से क्योंकि स्नैपड्रैगन 888 में थोड़ा हीटिंग इशू है। ये गेम में वीवो जीता है बहुत ही मार्जिनल डिफरेंस से। अब चालू करेंगे सबवे सर्फर। आईकू में 4500 mAh और वीवो में 4830 mAh की बैटरी है और आईकू में 6 घंटे का और वीवो में 7.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है। सबवे सर्फर जस्ट पहले लोड हुआ है आईकू में। अब लास्ट में चालू करेंगे हंगरी शार्क एवोल्यूशन। दोनों फोन्स 66W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। यहाँ भी आईकू जीता है। गेम स्टार्ट करके देखते हैं। गेम भी पहले लोड हुआ है आईकू में, तो 5 में से 3 गेम आईकू में और 2 गेम वीवो में पहले खुले हैं। गेमिंग परफॉर्मेंस आईकू में बेटर मिलती है फ्लैगशिप चिप के वजह से, स्पेशली हाई एंड गेम्स जैसे पबजी, एसफॉल्ट 9 और कॉल ऑफ ड्यूटी में, और LPDDR 5 रैम की वजह से डेली यूजेज में भी आईकू थोड़ा सा बेटर लगता है, बट आईकू गेमिंग के वक्त जल्दी हीट हो जाता है स्पेशल लिक्विड कूलिंग सिस्टम होने के बाद भी। अब कैमरा की बात करेंगे तो वीवो में ट्रिपल कैमराज है। 64MP का मेन कैमरा, 8MP का अल्ट्रावाइड और 2MP का मैक्रो कैमरा। डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आईकू में भी ट्रिपल कैमराज है, 48MP का मेन कैमरा, 13MP का अल्ट्रावाइड और 2MP का मोनोक्रोम सेंसर। इसके भी डिटेल्ड स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोनों फोन्स में बैक कैमरा से 4K 60 FPS वीडियो शूट कर सकते हैं।
वीवो के फ्रंट कैमरा से 1080p 60fps वीडियो शूट कर सकते हैं, जबकि आईकू में सिर्फ 1080p 30fps का ही सपोर्ट है। दोनों के बैक कैमरा में 240fps स्लोमो दिया गया है। दोनों फोन्स में लाइव फिल्टर्स, अल्ट्रा स्टेडी वीडियो, ड्यूल वीडियो मोड, ब्यूटी मोड, पोर्ट्रेट मोड, सुपर नाइट वीडियो, नाइट मोड, लॉन्ग एक्सपोजर और स्पोर्ट्स मोड है। वीवो में पोर्ट्रेट वीडियो एडिशनल है और आईकू में एस्ट्रो मोड। तो चलिए कुछ कैमरा सैंपल देखते हैं। डेटा में कलर्स दोनों में काफ़ी अच्छे आते हैं, दोनों में कलर्स वाइब्रेंट है। वीवो में वार्म कलर टोन्स है और आईकू में थोड़े कूलर टोन्स है। डिटेल दोनों में ही शार्प है। आईकू ज़्यादातर कंडीशंस में ब्राइटर फोटो कैप्चर करता है, बस कभी कभार वीवो आगे निकल जाता है। दोनों में अल्ट्रा वाइड लेंस भी है सेम जगह से ज़्यादा डिटेल कैप्चर करने के लिए, और यहाँ भी आईकू थोड़ा बेटर है। HDR सैंपल में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, बस वीवो कभी कभार थोड़ा वाइब्रेंट रहता है। बाकी दोनों ही फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के बीच प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करते हैं। आउटडोर पोर्ट्रेट में वीवो थोड़ा बेटर है क्योंकि कुछ हद तक स्किन टोन ठीक है, आईकू में स्किन थोड़ी ज़्यादा ब्राइट हो गई है। फोटो दोनों के ही शार्प है और एज डिटेक्शन दोनों का ही काफ़ी सिमिलर है। इंडोर पोर्ट्रेट में आईकू बेटर है क्योंकि प्रॉपर कलर्स कैप्चर किया है। वीवो में कलर्स थोड़े वॉश्ड आउट है। बाकी इंडोर शॉट्स में आईकू थोड़ा बेटर है क्योंकि शेडोज ज़्यादा ब्राइट रहते हैं और कलर्स भी प्रॉपर कैप्चर करता है। मैक्रो शॉट में भी आईकू थोड़ा बेटर है क्योंकि फोटो ज़्यादा शार्प है, फोटो ब्राइट और कलर्स भी प्रॉपर है। लो लाइट में भी आईकू थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता है क्योंकि कलर्स प्रॉपर है, फोटो ब्राइट है और डार्क एरियाज में डिटेल्स भी बेटर विजिबल रहती है। वीवो भी अच्छा है बट आईकू जितना नहीं। सेल्फी में आईकू थोड़ा सा बेटर है क्योंकि प्रॉपर स्किन टोन कैप्चर किया है। वीवो ने स्किन को थोड़ा ज़्यादा ब्राइट कर दिया है और वीवो का फोटो ज़्यादा ओवर शार्पेंड भी है जो इतना नेचुरल नहीं लगता। इंडोर सेल्फी में भी पहले जैसा ही डिफरेंस है। ये है दोनों का वीडियो सैंपल 1080p 60fps पर। HDR आईकू का बेटर काम करता है क्योंकि फोरग्राउंड और स्काई दोनों के बीच एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। वीवो ब्राइट है बट वीवो में मोस्ट ऑफ द टाइम स्काई ओवर एक्सपोज रहता है। कलर्स की बात करेंगे तो आईकू में कलर्स थोड़े नेचुरल है, वीवो के वीडियो में थोड़ा पर्पल टिंट है। स्टेबलाइजेशन दोनों का सिमिलर है क्योंकि दोनों में OIS दिया गया है। फोकसिंग में वीवो थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट एंड एक्यूरेट है। यह है दोनों के नाइट वीडियो का सैंपल। वीवो का वीडियो थोड़ा ज़्यादा ब्राइट है बट सामने व्हाइट वैगनर पर डिटेल्स ओवर एक्सपोज हो रही है। आईकू लाइट को बेटर कंट्रोल करता है और वीडियो थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है। बाकी कलर्स दोनों में ही सिमिलर है और डिटेल दोनों में ही शार्प है, तो रात में भी आईकू थोड़ा सा बेटर है। सिक्योरिटी की बात करेंगे तो दोनों ही फोन्स में आपको फेस अनलॉक और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों का स्पीड एकदम फास्ट है और काफ़ी सेम है, तो यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। अब आते हैं डिस्प्ले पर। दोनों में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है और दोनों में एनिमेशन, स्क्रोलिंग एंड स्वाइपिंग बटरी स्मूथ है। अब चेक करते हैं डिस्प्ले की ब्राइटनेस और सैचुरेशन। आईकू ऊपर है और वीवो नीचे। दोनों के डिस्प्ले के डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोनों के डिस्प्ले अच्छे खासे ब्राइट और वाइब्रेंट है। दोनों के डिस्प्ले HDR 10+ कंप्लेंट भी है, तो कंटेंट वॉचिंग के लिए दोनों ज़बरदस्त है। डिस्प्ले में कोई भी डिफरेंस नहीं है। बाकी व्यूइंग एंगल दोनों के काफ़ी सिमिलर है। डिस्प्ले को टिल्ट करने पर भी कलर्स वॉश्ड आउट नहीं लगते। आउटडोर विजिबिलिटी की बात करेंगे तो दोनों के डिस्प्ले आराम से विजिबल रहते हैं धूप में, तो आपको बाहर यूज़ करने में कोई इशू नहीं आएगा। तो अब करते हैं दोनों के स्पीकर का साउंड चेक। वीवो में आपको सिर्फ सिंगल स्पीकर मिलता है नीचे की तरफ, जबकि आईकू में स्टीरियो स्पीकर्स है, एक ऊपर और दूसरा नीचे की तरफ। तो पहले चेक करेंगे वीवो का साउंड। अब चेक करते हैं आईकू का साउंड। तो स्टीरियो स्पीकर्स की वजह से इसका साउंड थोड़ा ज़्यादा लाउड है, क्रिस्प एंड क्लियर है और फुल वॉल्यूम पर भी डिस्टॉर्ट नहीं होता, बट लाउडनेस इसकी भी थोड़ी बेटर हो सकती थी। इसके साउंड की बात करेंगे तो साउंड सिंगल स्पीकर होने की वजह से ज़्यादा लाउड नहीं है, साउंड क्रिस्प एंड क्लियर है बट हल्का सा डिसअपॉइंट करता है, तो स्पीकर क्वालिटी आईकू की थोड़ी सी बेटर है। तो दोस्तों ये था मेरा इनडेप्थ कंपैरिजन वीडियो वीवो V25 Pro और आईकू 9 SE का। डिज़ाइन, बैटरी बैकअप और थर्मल्स में वीवो बेटर है और स्पीकर्स, गेमिंग परफॉर्मेंस और मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में कैमरा आईकू का बेटर है। चार्जिंग स्पीड और डिस्प्ले दोनों के सेम है। तो आई होप इस वीडियो से आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। हम जल्दी लौटेंगे ऐसे टेक एंड गैजेट वीडियोस के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।